गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुभ यद भद्रम तन्याशुभ। ये दुख क्यों दिए हैं, ये दुख क्यों दिए हैं, ओ दुनिया बनाने वाले ये दुख क्यों दिए हैं। ये दुख क्यों दिए हैं वो दुनिया बनाने वाले तेरे गीत गाते गाते। तेरे गीत गाते गाते मेरी जीभ में पड़ गए छाले ओ दुनिया बनाने वाले। दुनिया बनाने वाले ओ दुनिया बनाने वाले ओ दुनिया बनाने वाले तेरे गीत गाते गाते तेरे गीत गाते गाते मेरी जीभ में पड़ी है छाले ओ दुनिया बनाने। मेरी समझ में ये नहीं आया मेरी कैसी जिंदगी है, मुझे कैसे कुल में भेजा, सब करते बंदगी है, सब करते बंदगी है। ये जीवन नैया मेरी, ये जीवन नैया मेरी तेरे है प्रभु हवाले ओ दुनिया बनाने वाले। हर वक्त तेरी खिदमत में मैंने अपना समय गमाया, तू मल्हा बन के आइयो मेरो जीवन बन गई नैया, मेरो जीवन बन गई नैया। अब जिया नहीं जाता है, अब जिया नहीं जाता है, मुझे अपने पास बुला ले ओ दुनिया बनाने वाले। हर दम तेरी खिदमत में मैंने अपना समय गमाया, तेरी बांसुरी के सुर में
मैंने अपना समय मिलाया, मैंने बांसुरी के सुर में अपना सुर मिलाया। दिल मेरा धड़क रहा है, दिल मेरा धड़क रहा है, प्राणन के पड़ रहे लाले, यो दुनिया बनाने वाले। बचपन से मेरा दामन कांटों से भरा हुआ है, दुख दरिया की लहरों में ये पाठक पड़ा हुआ है, ये पाठक पड़ा हुआ है। मैंने जिसको गले लगाया, मैंने जिसको गले लगाया, बन झोंके दिल में भाले, वो दुनिया बनाने वाले। वो दुनिया बनाने वाले। अरे ओ कन्हैया, तूने सबकी सुनी, क्या मेरी नहीं सुनेगा? ओ दुनिया बनाने वाले, ओ दुनिया बनाने वाले, ये दुख क्यों दिए हैं? ये दुख क्यों दिए हैं? ओ दुनिया बनाने वाले, ये दुख क्यों दिए हैं? 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 आदरणीय परमादरणीय हमारे सभी बुजुर्ग लोग, आज के मौसम की मुसीबतों से जूझते हुए हमारे कर्णधार नौजवान भाई लोग और प्यार करने योग्य बच्चे, देश भारत को बड़े बड़े सूरवीर और कवियों को प्रदान करने वाली हमारी आदिशक्ति माता और बहनाएं, आज हम आपको सामने कुमार केशड़ की प्रस्तुति कृष्णा केशड़ के माध्यम से कृष्ण नारद संवाद की पावन कथा सुनाने के लिए जा रहे हैं। मेरे भगवत प्रेमियों, भगवान कन्हैया का और नारद जी का चोली और दामन जैसा साथ है हमेशा से। भगवान कन्हैया और श्री नारद जी जहां आपस में मिल जाते हैं, सत्संग की बातें होने लगती हैं, ज्ञान वैराग्य और भक्ति की बातें होने लगती हैं। तो एक दिन नारद जी भगवान कन्हैया से कहने लगे, नारद जी कहने लगे, सुनिए दीनानाथ, प्यारे चरणों में सदा रहे हमारो माथ। आज घमंड भरे शब्दों में नारद जी ने भगवान कन्हैया को अवगत कराया। तब नारद लागे चैन, प्रभु सुन बेन गिरायो चारी, मौसम कोई दूजो ना रे भाओ तो व्रत तप धारी, मौसम कोई दूजो ना रे भाओ तो तप व्रत धारी। नारद
कन्हैया जी भगवान कन्हैया से कहने लगे हैं, अब नारद रोय समझाय रोय तो हर साय ऋषि ब्रह्मचारी ऋषि ब्रह्मचारी ऋषि ब्रह्मचारी कऊ बैठ करे सतसंग उरे तुम चलियो अब गिरधारी कऊ बैठ करे सतसंग उरे तुम चलियो अब गिरधारी नारद ने मन मोहन को ऐसे बचन तो दिए सुनाई और नारायण नारायण कह दई बीणा मधुरो दियो बजाई श्री नारद जी नारायण नारायण का गुणानुवाद करते भगवान कन्हैया का पीतांबर झटक दिया। और पीतांबर को झटक दियो ऐसे तो कहने लगे थे समझाई और वृंदावन के इन बागन की हमको सेरत दियो कराई श्री नारद जी भगवान कन्हैया से कहने लगे, नारद लागे केन प्रभु सुनो बैन गिराओ चारी मो सम को नाय आज भव तप व्रतधारी, आपके संसार में अनेकों भक्त हुए लेकिन मुझ जैसा कोई भक्त नहीं हुआ है। हाय हाय सोई भगवान कन्हैया समझिए कि नारद जैसे ब्रह्मचारी के हृदय में घमंड आ गया। भगवान कन्हैया नारद जी के साथ चल दिए और गुप्ता जी कैसे जा रहे हैं, नारद को लेके चली दे रे बेयब के तो बनबारी नारद जी ने जो ना समझ पाए कि दुनिया को नट है जहां से हम नाटक करने जाते हैं। नारद को लेके चल दे रे बेयब की अर बनवारी मधुरी बीणा बज रही रे मधुरी बीणा बज रही रे जय रे मुनि ब्रह्मचारी राज समरिया आगे जाए रहे और नारद चल रहे पीछे भगवान क्या समझ आए रहे प्यारी यकलिप पत्थर पर एक मत में भोरी आई गई है प्यारी यकलिप पत्थर पर एक मत में भोरी आई गई है भोरी आई है कि मत में भोरी आई है प्यारी मत पे पथरा भगवान कन्हैया ने अपनी मनगढ़ंत कथा को पूरा कर लिया और आगे आगे चल दिए पीछे पीछे नारद जी जा रहे वृंदावन के बागों में आ गई। बाग है हरे हरे वृक्ष हरी हरी घास यमुना का किनारा वृक्षों पर पक्षियों का कलरव कोयल की आवाज पपिया की आवाज फूलों पर भौरों का गुंजार करना एक अनुपम शोभा दे रहा था। भगवान कन्हैया नारद जी से कहने लगे, नारद जी आओ यहीं बैठना थोड़ी देर हमारा बैठने को तो आए हैं और बैठेंगे भी। हरी हरी घास पर यमुना के किनारे दोनों बैठ गए। भगवान कन्हैया ने कहा, नारद जी
तुम सर्वत्र घूमा करते हो, तुमने संसार में कोई बिना मतलब का आदमी देखा है? प्रभु, आपकी इस मतलब की दुनिया में हमने सबको मतलब का ही देखा है, लेकिन एक हम ही ऐसे आपके दीवाने हैं जो हमें किसी से मतलब नहीं है। भगवान कन्हैया मुस्कुराने लगे और क्या बोले, नारद जी नखु बिनु काटा देखे योगी, कनु फटा देखे शीश भारी, जटा देखे छाए लाए तन में। नख बिनु काटा देखे योगी, कनु फटा देखे भारी सिर, जटा देखे छाए लाए तन में। मोनियन बोल देखे जेनी सिर, छोल देखे करत के लोल देखे, बन खंडी बनो में। और क्या कहने लगे बांसुरी वाले नारद जी से, गुणी और क्रूर देखे, कायर और सूर देखे, माया महे पूरा देखे, पूर रहे धनु में। आदि अंत सुखी देखे, जन्म के बे दुखी देखे, ऐसो नाए देखो जाके, लोभ नाए मनु में। और क्या बोले भगवान कन्हैया, ओ नारद जा मेरी माया ने सबको जिया राजे लो तो चुराई, भक्तन में एक भक्त मेरे है गए, तुम्हें मैंने छाती से लियो तो लगाई। भगवान कन्हैया ने नारद जी से कहा कि संसार में अगर मेरा भक्त है तो नारद तेरे अलावा और कोई नहीं है। लेकिन नारद जी भगवान कन्हैया की इन बातों को समझ नहीं पाए। भगवान कन्हैया ने मक्खन लगा दिया, मक्खन भुजा पकड़ के मनमोहन ने ऐसी बात बताई है। नारद जी माया में जे डूबे, बात समझ ना आई है। भगवान कन्हैया के उन सूत्रों भरे बातों को नारद जी नहीं समझ सके, तो भगवान कन्हैया क्या कहने लगे हैं, नारद जी हमारा चलो आगे चलते हैं। हाँ चलो प्रभु चलो। आगे आगे भगवान कन्हैया हैं और पीछे पीछे नारद जी जा रहे हैं, सत्संग जा रहा है, साथ में सत्संग भी हो रहा है। भगवान कन्हैया ने कहा, नारद जी ये हम जानते हैं कि तुम हमसे बहुत प्रेम करते हो, लेकिन हमें कभी को जेव मालूम पता तुम हमसे कपट करते हो। प्रभु मैंने तो आपसे कोई कपट नहीं किया। जो बात ना करता तो हटाओ। प्रभु मैंने तो कभी नहीं किया। तुम नारद जी एक बात बताओ, तुम कपट की परिभाषा जानते हो? हम कपट भी ना जानते तो परिभाषा कहां थे जाने। तो भगवान कन्हैया ने नारद जी से कहा, प्रीति वहां पर्दा नहीं और पर्दा वहां न प्रीते, प्रीत वहां पर्दा नहीं और पर्दा वहां न प्रीत, प्रीत करे पर्दा करे और पाठक ये अनरीत। और भगवान कन्हैया ने एक बात और कही नारद जी से, नारद जी हमारा चाखन चाहे प्रेम रस और राखन चाहे लाज। पप्पू भाई
चाखन चाहे प्रेम रस राखन चाहे लाज, पाठक वो प्रेमी नहीं और बातिन को महाराज। भैया चलत चलत आजो ईश्वर एक बगिया में आए गए हैं, भैया चलत चलत दो प्रेमी एक बगिया में आए गए हैं। बगिया में आए गए हैं कृष्ण, बगिया में आए गए हैं। भैया चलत चलत दो प्रेमी अरे बगिया में आए गए हैं। आहा, भगवान कन्हैया नारद जी को लेके उस स्थान पर आ गए जहां उन्हें भगवान को नारद के हृदय में से घमंड उखाड़ करके फेंकना था। वैसे महीना तो बड़ो नरम हतो, पुरवाई की हवा सीरी सीरी चले, भगवान कन्हैया का पीतांबर उड़ते में ये दशा को पहचान तो देता था कि पश्चिम की हवा पूरब को जाती है, पूरब की पश्चिम को आती है। इतने सुंदर बगीचे में और भगवान कन्हैया ने अपनी योग माया को बुलाया, विष्णुर माया भगवती अया सम्मोहितम जगतः। जिस भगवान की माया ने सबको मोहित कर दिया, ब्रह्मा जैसे को मोहित करने के बाद में इस प्रेम सागर में डाल दिया, तो भला नारद जी कहां बच जाते। ऐसे नरम मौसम में नारद जी को गर्मी लगने लगी और नारद जी भगवान कन्हैया से बोले, प्रभु आप ऐसी जगह लेकर के आए हैं गर्मी के मारे शरीर पजर हो जाए रहो, दिल की धड़कन और बढ़ी गई, शरीर फूक रहा है। ये सामने सरोवर है नारद जी, नजर आ रहा है? हाँ आ तो रहा है। अगर आपको गर्मी लग रही है नारद जी तो आप सरोवर में स्नान कर लीजिए। विचार तो मेरा भी बनता था, नारायण नारायण तो आप सरोवर के किनारे बैठी और मैं स्नान कर लूं। बिल्कुल कर लीजिए। भगवान कन्हैया सरोवर पर खड़े हो गए हैं और नारद जी क्या करने लगे हैं, काना सरोवर तट खड़े भए, अरे खड़े भए। और नारद जी ने बस तोयो तारे, मोहन अब तट पे खड़े भए, अरे खड़े भए दादा खड़े भाई। और नारद जी ने दे वस्त्र उतारे, और पीणा दे दई मोहन को रे दैया मोहन को भैया मोहन को। और नारद जी ने जो बचन यो चारे, नारद जी ने अपने हाथ की वीणा भगवान कन्हैया को दे दी, इसे आप पकड़ लीजिए और मैं स्नान कर लूं।
अरे मुनि के मन में आई है, रे मुनि के मन में आई है, बेसर पर पे गए कि हंसी गए कृष्ण कन्हाई है, कन्हैया मन में हंसी गौ है, नारद समझ न सके प्रमाणो दूजो पड़ी गौ है, भगवान कन्हैया मुस्कुराने लगे हैं और नारद जी भगवान की बात को नहीं समझ पाए हैं और नारद जी ने क्या किया, सरोवर के किनारे पर बैठ गए, जल हाथ में लिया, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, आचमन किया और थोड़ा सा लेके अपने शरीर पर छिड़क लिया और भगवान की ओर इशारा करते हुए बोले, आप खड़े रहना, मैं अभी आया स्नान करके, हाँ आप कर लीजिए। स्नान करन को घुसिया रे तव जल में यरे ब्रह्मचारी, कितना बढ़िया जल है, कितना शीतल जल है, स्नान करन को घुसिया रे तव जल में यरे ब्रह्मचारी, डुबकी अरे लगाए दई रे गुप्ता जी, डुबकी अरे लगाए दई रे खेलो रचो बनबारी, महाराज वहां से रमिए त्रिपुरारी, नारद जल से बाहर आए गए बनिए अरे नारी, पतरे करिहा पे कंधौनी धोखा खाए रही लांगुरिया, पतरे करिहा पे कंधौनी गोता खाए रही लांगुरिया, खाए रही लांगुरिया झोका खाए रही लांगुरिया, पतरे पतरे करिहा पे कंधौनी झोका खाए रही लांगुरिया, भगवान कन्हैया तो वहां से अंतर ध्यान हो गए लेकिन नारद जी का पमाणा बन गया, गोरा गोरा बदन, लंबी लंबी बाहें, पतरी कमर, हाथों में चूड़ियां, सिर पर चोटी की जगह पर काले काले बाल, तन में यज्ञोपवीत की जगह पर सुंदर सुंदर वस्त्र, ओठों पर लाली, आंखों में काजल, बालों में गजरा नारद जी ने जैसे ही अपने तन को देखा कि हम क्या बन गए, किनारे पर आंखें पसारी तो मोहन नहीं मिले, नारद जी आंखों में आंसू भर के बोले, अरे कन्हैया जू कैसी प्रीति निभाई, जो तूने हमें बनाए दो मर्द से लुगाई, नारद जी खड़े खड़े रोने लगे, हमारी तो बीणाऊ चली गई, कपड़ाऊ चले गए, अरे तीन लोक के नाथ, अरे जूते ने कैसी तो प्रीत निभाई रे, अगर मुझे ऐसा पतो हो तो मेरे संग आज ऐसा होएगो, तो मैं कब नहीं आता तो तुम्हारे संग, तीन लोग के नाथ यारे तुम कैसी तो प्रीत निभाई रे,
पीड़ा लेके कारमिये मोए कर गए नाथ लुगाई रे। एक बात और याद रखना मेरे भगवत प्रेमियों, भगवान कन्हैया राजनीति के बहुत बड़े नेता थे। आज तक के युग में भगवान कन्हैया के जैसा कोई नेता नहीं हुआ राजनीति में आगे कदम बढ़ाने वाला। नारद जी रो रहे हैं, भगवान कन्हैया अंतर ध्यान हो गए हैं। कैसी करूं कहां पूरे जाऊं मेरे कोई तो समझ नहीं आई रे। अब दीन बंधु भगवान जुआ के मेरी कछु तो करो सहाय रे। नारद जी कहने लगे हैं, ओ दगाबाज ओ धोखेबाज, तूने हमारे साथ में छल किया है,